सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। अब देखो यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वानों को एक स्पेशल बनाती है। अब देखो, बहुत सारे लोग आएंगे और आकर के मुझे बोलेंगे यार मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद या फिर ये वीडियो का टाइटल देखने के बाद। पर मैं एक चीज़ कहूँ, वानों में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसे एक स्पेशल आर्क बनाती है। वन पीस का अगर मैं अब तक का बेस्ट आर्क बोलूं तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, ये मेरे लिए बन चुका है। मैं मरीन फोर्ड से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ इस आर्क को। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस आर्क में जो इसे मरीन फोर्ड से बेटर बनाती है। अब उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, पर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आखिर वानो आर्क में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी आर्क से अलग बनाती है, प्लस ये आर्क इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इस आर्क की स्टार्टिंग से ही लेकर के जिस तरह से हमें हाइप किया गया था ओडा के द्वारा या फिर कह लो तोई वालों के द्वारा, बिकॉज मैं उस वक्त वन पीस का एनिमे देख रहा था जब वानो आर्क स्टार्टिंग के फेजेस पे था। और सच बता रहा हूँ, फिफ्थ एम्परर को लेकर के इतना ज़्यादा लोग हाइप हुए थे मॉर्गन की वजह से, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने यार लूफी को फिफ्थ एम्परर एज ए इमेजिन भी कर लिया था, उनके दिमाग में ऐसा आ रहा था कि भाई लूफी तो फिफ्थ एम्परर बन चुका है। और अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ फैला हुआ है कि लूफी सच में फिफ्थ एम्परर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। होल केक आइलैंड के बाद हमें जिस तरह से मतलब लूफी का बाउंटी बिलियन में घुसा दिया गया था, 1.5 बिलियन बैरिस हो गया था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा था कि लूफी और एक योंको के पावर लेवल में ज़्यादा फासला नहीं रह गया। लूफी एक योंको के कमांडर जितना तो स्ट्रांग बन गया, इस आर्क में काइडो को हराते ही वो एक योंको जितना स्ट्रांग बन जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार पिटेगा, पर वो इस आर्क में ज़रूर स्ट्रांग बन जाएगा। बट यहाँ पर हमें बता दिया जाता है साफ साफ ओडा के द्वारा स्टार्टिंग में ही लूफी और काइडो को भिड़ा करके कि भाई अभी भी लूफी बच्चा, भले ही फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर कर ले, भले ही वो एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर कर ले, बट वो अभी भी काइडो के सामने कुछ नहीं है। भाई काइडो उसे वन शॉट कर देता है, बात समझ रहे हो ना। जोंको के पावर का बस एक झलक हमें मालूम पड़ता है। मरीन फोर्ड किस किस को याद है, वहां पर हमने द लेजेंड व्हाइट बियर्ड का पावर देखा था। उसके लिए एक वाइस एडमिरल को डिफीट करना बस चुटकियों का खेल था। हाँ वो बात अलग है अगर वाइस एडमिरल गार्प ना हो तो। यहाँ पर जब काइडो ने लूफी को वन शॉट किया था, हमें यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया था कि लूफी का औकात कितना है, लूफी का पावर कितना है एक योंको के सामने। मतलब लूफी अगर 10% है ना तो काइडो 100% है, उस लेवल पे हमें बताया गया था। बट हाँ, इस आर्क के बाद लूफी स्ट्रांग जरूर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, एक योंको जितना शायद घिस पीट के यार पहुँच ही जाए। पर फिलहाल के टाइम पे मांगा में भी लूफी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है। भले वो बादलों के साथ क्लैश कर लेता है जैसे योंको क्लैश होता है, पर अभी भी मेरे को लगता है वो योंको जितना तो स्ट्रांग नहीं हुआ है। प्लस वानो का जो स्टोरी है ना, इसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, यही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। क्योंकि यहाँ पर हमें ना भाई बाहर के दुनिया के बारे में भी बताया जाता है, रेवरी में क्या हुआ, फैबो के साथ क्या हुआ, इतने सारे थ्योरीज को जन्म देता। साथ ही साथ भाई दो लेजेंड्स का टक्कर, अब दो लेजेंड्स के टक्कर के पास हम बाद में जाएंगे, पहले हम बात करते हैं रेवरी से रिलेटेड। एक बात बताऊं ना, आज से पहले क्या तुमने कभी सोचा था कि थ्री ग्रेट सुपर पावर में से किसी एक पावर को हटा दिया जाएगा? मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। और ये सब किस वजह से हुआ है मालूम, इन दो चूतियों की वजह से, डॉफ्लामिंगो और क्रोकोडाइल, हरकतें ही वैसी की है। अब जिसे नहीं पता थ्री ग्रेट सुपर पावर वन पीस के वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, वॉरलॉर्ड्स, मरीन्स और योंकोस, ये तीनों मिलकर के वन पीस के वर्ल्ड को बैलेंस बना के रखती है। बट इनमें से एक पावर सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया गया, और जो दोनों में से एक जो पावर सिस्टम बचता है ना भाई, उस पे भी अब खतरा मंडरा रहा है। अब वो क्यों, ओनिगासिमा रेट तुमको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हम सबको पता है, हर किसी के दिमाग में आता है, हर कोई यही बात करता है और पहले भी करता था कि भाई वन पीस के वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट बींग कौन है, रॉजर, वाइट बियर्ड, गार्प, इस टाइप का उनके दिमाग में आता है। मरीन में जाए तो गार्प आता है, पायरेट्स में जाए तो एक तो रॉजर आता है, वरना
अपना व्हाइट बियर्ड आता है। पर तुम एक बात बताओ, इस आर्क ने हमें क्या बता दिया? ओडा ने पहले ही फॉरशैडोइंग कर दिया था इससे पहले, बट यहां पर हमें प्रॉपर तरीके से बता दिया गया। ये भाई अगर तुम सोच रहे हो ना वन पीस के वर्ल्ड में रॉजर व्हाइट बियर्ड तक की पावर सीमित है, इनसे ऊपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमें नहीं देखने को मिलेंगे, तो तुम गलत हो। रॉक्स डी ज़ेबैक, रॉक्स पायरेट क्रू हमें दिखाया गया, उनके बारे में बताया गया, जो अभी के टाइम पे जो योंकोस है ना, सैंक्स और ब्लैक बियर्ड को अगर मैं हटा दूं तो भाई बाकी के तो बंदे तो यार रॉक्स पायरेट के क्रू मेंबर थे, और काइडो उस क्रू का सबसे वीकेस्ट मेंबर था। तो तुम सोच लो, इस आर्क का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, इस आर्क का जो मेन विलन है, वो उस क्रू का सबसे वीकेस्ट बंदा था। यहाँ पे हमें बताया गया कि अगर तुम सोच रहे हो कि वन पीस का पावर अभी हमें पूरी तरीके से बता गया ना, तुम गलत हो भाई। अभी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आने वाले, रॉजर व्हाइट बियर्ड गार्फ तक की ये सब चीजें यार सीमित नहीं है। मतलब वन पीस फैंस तुम सब एक्साइटेड हो जाओ, आगे फ्यूचर में तुमको और पावर देखने को मिलने वाला है। प्लस तुम मुझे एक बात बताओ, आज से पहले तुमने वन पीस का एक एक कनेक्शन को कितना हद तक सोचा होगा? भाई वानों में तुमको ऐसा ऐसा कनेक्शन दिखेगा ना, वन पीस के स्टार्टिंग में वो चीजें हमें दिखाई गई थी और वो अब जा करके यहाँ से जुड़ रही है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जोरो का वाडो इचिमोंजी, उसको बनाया कौन था? सिमोत्सुकी कुजाबुरो। और भाई वो भी कनेक्शन है किससे? जहां जोरो ने ट्रेनिंग किया था, जहां पे जोरो को स्वॉर्ड दिया गया था, और जोरो को ये स्वॉर्ड कैसे मिला था? सिमोत्सुकी कुजाबुरो। भाई वन पीस के एकदम स्टार्टिंग से ये कनेक्शन बना रही है, बात समझ रहे हो ना? ओडा को ऐसे ही नहीं गॉड ऑफ फॉरशैडोइंग बोला जाता है। भाई ये बंदा ना मतलब कहां कहां से चीजों को जोड़ता है, कहां कहां से पहले से हमें फॉरशैडोइंग दे के रखता है, तुम सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं दो लेजेंड्स के टक्कर की। हमने आज से पहले बस सुन रखा था कि भाई रॉजर के लेवल का जो एक बंदा, एक पायरेट जो केपेबल है ना, जो उसके साथ नेक टू नेक बराबरी की फाइट देने की ताकत रखता है, वो है व्हाइट बियर्ड। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को, मतलब वही क्लैश हमें देखने को मिलता है कि नहीं भाई, सच में ये दोनों जब अपने प्राइम में थे ना, ये दोनों जब अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ते थे, मतलब फुल पोटेंशियल भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये दोनों अगर अपने फुल पोटेंशियल पे एक दूसरे को मारने पे आ जाए ना, तो वो जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लस जो लोग सिर्फ मरीन फोर्ट तक देखे हुए थे, जब मैं खुद मरीन फोर्ट देखा हुआ था ना भाई, मैं बता रहा हूँ, जब गार्प की वो हरकतें देखी थी ना मैंने, मैं खुद सोचता था भाई ये वाइस एडमिरल इतना ज्यादा चौड़ में क्यों है, हीरो ऑफ द मरीन कहा जाता है। यहाँ पर तुमको पता चलता है एक्चुअल में उसको हीरो ऑफ द मरीन क्यों कहा जाता है। भाई ये बंदा ना सेनगोकू की गद्दी ना चुटकी बजा के छीन सकता है, पर वो नहीं करता, वो खुद की मर्जी से उस जगह पे। भाई वानो आर्क ना मिस्ट्रीज को जन्म देती भी है और मिस्ट्रीज को यार सॉल्व भी करती है, बहुत सारे मिस्ट्रीज इसने सॉल्व किया। जैसे गार्प का ही ले लिया, वो क्यों वाइस एडमिरल पर बैठा हुआ है, वो चीज हमें देखने को मिल गया, पर उसके साथ साथ रॉक्स पायरेट को भी खोल के चल गया। भाई वन पीस का नाम अगर मैं चेंज करके बस मिस्ट्री रख दूं ना, तो भी कोई गलत नहीं होगा। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, रॉजर और व्हाइट बियर्ड का क्लैश हमें यहाँ पर दिखा दिया जाता है, और ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, ओडेन जो खुद योंको लेवल कैरेक्टर था, ओडेन की औकात नहीं है रॉजर या व्हाइट बियर्ड के सामने खड़े होने की, भाई उनके लिए वो मच्छर बराबर है। एक और चीज तुमको पता है, वानो आर्क में ना हमें सबसे ज्यादा योंको क्लैसेस हमें देखने को मिले, और अभी ना और क्लैसेस आने बाकी है, और योंको क्लैश हमें देखने को मिलने वाले हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ तुमको तो एक बात पता चल ही गया होगा, ऑलरेडी तुमको मालूम होगा वानो आर्क अब तक का सबसे बड़ा आर्क होने वाला है वन पीस का। अब हम जरा आते हैं मांगा पे। मांगा पे जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पर यार बहुत सारे राज और खोलते जाते हैं, और बहुत सारे मिस्ट्रीज और जन्म होते जाते हैं, कैसे उस पर भी हम आएंगे। पर उससे पहले यार, जिन लोगों को मांगा से थोड़ा टेंशन है, मांगा के स्पॉइलर से, वो लोग इस वीडियो को लीव कर दो यहीं पर, और तुमको जो मन है, वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, नहीं पसंद आया नहीं लाइक मारो, वो तुम्हारा मन है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो अगर वन पीस के वीडियोस देखना चाहते हो। तो अब हम आते हैं मांगा के स्पॉइलर पे। हमें यहाँ पर एक नया स्पीसीज जानने को मिला। भाई वो रेड लाइन में रहते थे सालों पहले, अब फ्यूचर में पता नहीं यार और कितने ज्यादा हमें स्पीसीज जानने को मिलेंगे, वो मुझे नहीं मालूम, पर नया चीज ला के खड़ा किया, प्लस ये एक और मिस्ट्री को जन्म दे दिया। एक मिस्ट्री सॉल्व किया तो दूसरा मिस्ट्री खड़ा कर दिया, और अब भी ओडा रुका नहीं है। हर हफ्ते अब तो यार वन पीस का जो वानो आर्क चल रहा है बहुत ही ज्यादा बवाल चल रहा है,
और लेटेस्ट जो चैप्टर आया था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, और आने वाला जो चैप्टर होने वाला वो तो और ज्यादा खतरनाक होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उससे याद है इस हफ्ते मैंने चैप्टर का रिव्यू नहीं किया, वैसे बहुत सारे लोगों ने कर लिया यार, तो अब थोड़ा टाइम हो गया बिकॉज मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था, तो थोड़ा यार कॉम्प्रोमाइज कर लो क्योंकि उसके बदले मैं तुमको क्या दे रहा हूं, तुम तो देख रहे हो ना। अब हम आते गोरोसे पे, बिकॉज यहाँ पर मैं कॉन्करर हॉकी को खींचना नहीं चाहता क्योंकि कॉन्करर हॉकी हमने रॉजर वर्सेस व्हाइटबियर्ड के क्लास में ही हमने देख लिया कि दो लेजेंड्स का कॉन्करर हॉकी क्लास कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, तो उसको मैंने पहले ही बात कर लिया। इस वजह से मैं काइडो और लूफी का कॉन्करर हॉकी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। अरे हाँ, यहाँ पर काइडो लूफी से मुझे याद आया एक और चीज पे, यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है लूफी का डेविल फ्रूट नॉर्मल नहीं है, वो कुछ स्पेशल टाइप का है। अब वो क्या है वो नहीं पता हमें। हाँ, तो गोरोसे पे ही आते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था गोरोसे यहाँ पर लेजेंडरी डेविल फ्रूट की बात करते हैं जिसका अवेकनिंग में कुछ ऐसा था जिस वजह से भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसका नेम चेंज कर दिया। भाई ऐसा हमें कितनी बार देखने को मिलता है, आज तक तो मैंने ऐसा इंसिडेंट नहीं सुना, और इसने इतने सारे थ्योरीज को जन्म दिया ना, मैं क्या ही बोलूं भाई। अब मेरे को लगता है वो काइडो का डेविल फ्रूट है, अब मैंने इसके ऊपर थ्योरी बना के रखी है। बहुतों को लगता है 90% जनता को यही लगता है वो लूफी का डेविल फ्रूट है, अब बाकियों को कुछ और लगता है, पता नहीं किसको क्या लगता है, वो तो भाई ओढ़ा ही जाता है वो किसका डेविल फ्रूट है। और हाँ, एक चीज मैं कह देता हूँ, हमें इस आर्क में ना अवेकनिंग पक्का देखने को मिलने वाली है, तभी ये सारी चीजें गोरोसे की तरफ से हमें बताई जा रही थी। अगर हमें इस आर्क में उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट की अवेकनिंग देखने को मिल गई ना भाई, मजा आ जाएगा यार। अब मैं जरा बात करना चाहूंगा कुछ फैंस के थॉट्स को लेकर, क्योंकि ज्यादातर फैंस को लगता है कि ओडा अपने प्राइम टाइम पे चल रहा है। मुझे नहीं लगता ओडा अपने प्राइम टाइम पे चल रहा है, मतलब वन पीस अपने प्राइम टाइम पे है जिसमें वो बाकी सभी सोनन मांगास को वन शॉट कर देगी एक तरह से, मतलब वैसा समझ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा गलत हो, बिकॉज अभी तक वन पीस का फाइनल आर्क आया नहीं है। वानो मुझे कुछ जगहों पे बोर भी किया, मतलब एक टाइम पे ऐसा आता है ना यार, अब इन दोनों को फाइट ओवर कर दो, खत्म कर दो। मैं एक टाइम पे सच बता रहा हूँ, मैं एक टाइम पे थोड़ा पक भी गया था कि हाँ यार हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते हमें क्या देखने को मिलता है, यही चीज देखने को मिल रहा है। पर अब जो है इस साल में जिस तरह से ओडा ने SBS पे जंप फेस्टा था, जंप फेस्टा में ओडा ने जिस हिसाब से बोला कि लूफी पर ध्यान देना, भाई सच में लूफी पर तुम सब भी ध्यान देना, कुछ तो ओडा बवाल करने वाला है, ऐसा मेरे को फील आ रहा। प्लस ओडा ने जिस हिसाब से इस साल के एंटर होते ही भाई चैप्टर ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक चैप्टर दिए ना, पहली बात तो यार वन पीस वीकली मांगा में टॉप पे चल रहा है जिस पे कोई डाउट नहीं है, और रही बात टोटल सेलिंग की तो वो कुछ साल बाद यार वो सुपरमैन कॉमिक्स को भी बीट कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर वानो से हट के वन पीस पे क्यों चला गया, बिकॉज ये एक तरह से फॉरसेटिंग है क्योंकि फ्यूचर में तुमको जानने को बहुत जल्द मिलने वाला है वन पीस के मांगा सेलिंग से रिलेटेड जानकारी। मैं वहाँ पर बताऊंगा कि किस हिसाब से मांगा सेलिंग काउंट होता है, किस हिसाब से ये गिना जाता है, वो उनके ऊपर भी वीडियोस आएगा, तो थोड़ा सा वेट करो यार, जरा वानो पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर ना स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू को बहुत सारी चीजें करते देखा, खास कर तो जोरो और सांजी को, ये दोनों कमांडर लेवल बन चुके हैं। और तुमसे एक और बात मैं बोलना चाहूंगा भाई, तुमने कितनी ही बार सोचा है कि एक योंग को डिफीट हो सकती है, भाई किसी भी तरह से हो, पर इसमें हमने योंको को भी डिफीट होते हुए देखा। वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से जब दो योंको आपस में हाथ मिला लेते हैं ना भाई, तो उन्हें डिफीट नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पर हमने एक योंको को डिफीट होते देखा, भले ही जैसे करके भी डिफीट किया, पर होते तो देख लिया हमने। एक ऐसे योंको को डिफीट होते देखा गया जो अपने प्राइम में नहीं थी। अब देखो यार लेटेस्ट चैप्टर की बात करता हूँ, यहाँ पे लूफी अपना भाई सब कुछ दांव पे लगा चुका है, मतलब उसका गियर फोर स्नेक मैन उसमें वो अटैक जिस हिसाब से कर रहा है, पर कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई काइडो हारेगा। अब देखो यार ये था मेरा आज का वीडियो, अब तुम्हारा क्या मानना वो तो तुम कमेंट बॉक्स में बताओगी। प्लस मैंने तो यहाँ पर बता दिया कि वानो आर्क में ऐसा क्या है जो इसे स्पेशल बनाती है, तो सब जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान देना शुरू कर दो। साथ ही साथ अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, और हाँ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो और तुम ऐसे ही वन पीस के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।